लॉकडाउन में कोई काम नहीं होने के कारण एक स्कूल टीचर गांजा तस्कर बन गया। हैदराबाद से वह कार में 91 किलो का गांजा लेकर दिल्ली जा रहा था, लेकिन बेलतोरड़ी पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई। पुलिस ने वर्धा रोड पर जाल बिछाकर उसे पकड़ने में सफलता प्राप्त की। गांजे की तस्करी में एक और स्कूल टीचर का समावेश होने की जानकारी सामने आई। पुलिस इसकी जांच कर रही है। पकड़ा गया आरोपी शिवशंकर यल्ला इसमपल्ली बताया गया। वह मूलतः वारंगल आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। हैदराबाद के कुकटपल्ली में स्थित एक स्कूल में बतौर डांस टीचर काम करता है। बेलतोरड़ी पुलिस को जानकारी मिली थी कि DL 4CAD 3665 नंबर की कार में गांजा तस्करी की जा रही है। यह कार वर्धा रोड से दिल्ली जाने वाली है। खबर के आधार पर पुलिस ने वर्धा रोड पर जाल बिछा लिया। रविवार की सुबह 9 बजे के दौरान पुलिस ने कार को रोककर तलाश ली। 4 प्लास्टिक की बोरी में 91 किलो 556 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने कार चालक शिवशंकर को हिरासत में लिया। कार, मोबाइल, गांजा और नकद सहित 18,84,000 रुपए का माल जब्त किया। पूछताछ में शिवशंकर ने बताया कि वह हैदराबाद की एक स्कूल में डांस टीचर है। कोरोना लॉकडाउन के कारण उसका काम बंद हो गया था। इसी दौरान स्कूल के अन्य शिक्षक ने उसे उपरोक्त नंबर की कार दिल्ली पहुंचाने को कहा और बताया कि एक ट्रिप के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। वह खाली थी, इसलिए काम करने के लिए हामी दी। वह नहीं जानता था कि गाड़ी में गांजा रखा है। हालांकि उसकी बात पर पुलिस को जरा भी यकीन नहीं है। 14 तारखे जी घटना है। 14 तारखेला आम्हाला माहिती मिळाली होती की एक गाडी हैदराबाद वरून दिल्लीला जात आहे आणि त्याच्यात फार मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थ आहे म्हणून त्याच्यावरून आम्ही वर्धा रोडवर सापळा रचला आणि त्यामध्ये त्या गाडीला पकडण्यात आलं। त्या गाडीमधून 91 किलो गांजा त्या डिक्कीच्या मधोमध चोर डिक्की बनवलेली ती त्याच्यात ठेवलेला होता, तो जप्त करण्यात आलेला आहे। ती गाडीसुद्धा जप्त करण्यात आलेली आहे आणि त्या गाडीचा जो चालक आहे शिवशंकर इसमपल्ली नावाचा हा हैदराबादचा आहे, यालासुद्धा अटक करून कारवाई करण्यात आली। याच्याकडून टोटल 18 लाखाचा टोटल माल म्हणजे 13 लाखाचा गांजा आणि 5 लाखाची गाडी असा माल जप्त करण्यात आलेला आहे। हा जो आरोपी आहे हा हैदराबादला शिक्षक होता एका शाळेवर आणि त्याच्याकडून हा माल जप्त करण्यात आलेला आहे। हा दिल्लीला जात होता, त्याचा आता दिल्ली आणि हैदराबादला आम्ही टीम पाठवून तपास करीत आहोत। उससे दूसरे शिक्षक की जानकारी ली जा रही है। जल्द ही एक दल हैदराबाद रवाना होगा। पुलिस को इसके पीछे बड़ा गिरोह होने का संदेह है। माल कहां से आया और दिल्ली से किसे पहुंचाना था इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। कार के नंबर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। आरोपी के खिलाफ NDS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोमवार को उसे न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत ली जाएगी। DCP अक्षय शिंदे, ACP नीलेश पालवे और इंस्पेक्टर विजय अकोत के मार्गदर्शन में सब इंस्पेक्टर विकास मंतिया, हेड कांस्टेबल तेजराम देवले, रणधीर दीक्षित, अविनाश ठाकरे, गोपाल देशमुख, मिलिंद पटले, प्रवीण जांभुलकर, मनोज शाहू, राकेश रुद्राकार, कुणाल लांडगे और नितिन बावनी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।